नमस्कार दोस्तों, जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है तो जिसका अमाउंट अगर ज़्यादा रहेगा तो इसका लैंड का एरिया भी ज़्यादा रहेगा। जब उसका अमाउंट अगर कम रहेगा तो उसके हिसाब से लैंड का एरिया भी कम रहेगा। ये सब ओपन प्लॉट के लिए है। अगर आप अपार्टमेंट या फ्लैट खरीदते हैं तो उसमें ये लागू नहीं होता, क्योंकि कैसा उस समय बिल्डर्स जो भी है वो यूज़र्स को मतलब बायर्स को जो भी उनको कारपेट एरिया बताते थे, कारपेट एरिया के हिसाब से बाय करते थे। बट एक्चुअली देते समय वो सेलेबल एरिया या फिर टोटल सुपर बिल्टअप एरिया के हिसाब से देते थे। तो उसमें वो लोग ग्राहकों को एरिया का डिटेल मालूम नहीं था, इसलिए बिल्डर्स लोग उनको भी इसका मिसयूज़ करते थे। अभी इसके लिए बाद में गवर्नमेंट में इस सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत सारे चीटिंग के भी प्रॉब्लम्स हुए और बायर्स को बहुत सारा नुकसान भी हुआ। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए गवर्नमेंट ने 2016 में एक रेरा एक्ट लाया। रेरा मतलब रियल इस्टेट रेगुलेशनरी एक्ट, ये 2016 में आया, गवर्नमेंट में लागू किया गया। तो ये रेरा एक्ट क्या है? रेरा एक्ट में ये बिल्डर्स को स्पेसिफाई करता है कि आप कौन सा एरिया में या फिर आपको सेल करना है, कौन सा एरिया है, कौन सा मेजरमेंट है, वो आपको सेल करना है, उसके हिसाब से ही करना है। तो अभी कौन सा एरिया है, क्या है, जब आप प्लॉट या फ्लैट खरीदते हो तो उसमें कौन सा एरिया आपको लेना है, क्या है उसका नोमेनक्लेचर क्या है, ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी में ये सब अलग अलग टाइप के एरियाज होते हैं, जैसे कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया या सुपर बिल्टअप एरिया। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। व्हाट इज कारपेट एरिया? कारपेट एरिया एक यूजेबल एरिया या फिर जो भी इनर वॉल्स के अंदर जो रहता है, जो जनरली जहां हम लोग कारपेट बिछा सकते हैं उसके हिसाब से यूजेबल एरिया है। इसमें एक्सटर्नल वॉल्स कंसिडर नहीं किया जाता, सिर्फ इंटरनल वॉल्स कंसिडर किया जाता है, और इसमें बिल्डिंग का बाहर साइड, लॉबी वगैरह ये सब कंसिडर नहीं करते। अभी इसका एक फार्मूला है, कारपेट एरिया का फार्मूला। कारपेट एरिया का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द इनर वॉल्स प्लस, अभी रेरा के हिसाब से इसमें एक नया एडिशन हुआ कि इंक्लूड जो इनर साइड के वॉल्स और पार्टीशन है वो भी इसमें ऐड हुए हैं। तो इसके हिसाब से द डिस्टेंस बिटवीन इनर वॉल्स प्लस द इंटरनल पार्टीशन वॉल्स। अभी कारपेट एरिया में क्या कवर होता है? तो कारपेट एरिया में पूरा फ्लोर यूजेबल एरिया है जो इंटरनल वॉल्स के बीच में, वो एरिया कवर होता है, इंटरनल वॉल्स कवर होते हैं। अभी कारपेट एरिया में क्या कवर नहीं होता? तो कारपेट एरिया में जो एक्सटर्नल वॉल्स का एरिया कवर नहीं होता, सर्विसेज शॉप्स, इसके बाद बालकनीज, बरांडाज, अगर ओपन टेरेस एरिया है तो वो कवर नहीं होता। अभी सेकेंड पार्ट है अपना, व्हाट इज बिल्टअप एरिया? बिल्टअप एरिया मतलब कारपेट एरिया प्लस दैट एक्सटर्नल वॉल एरिया। मतलब बिल्ट कारपेट एरिया हम लोग जैसे इनर फ्लोर का और इंटरनल वॉल का एरिया प्लस एक्सटर्नल बिल्टअप एरिया भी लेते हैं, उसको हम लोग बिल्टअप एरिया बोलते हैं। जनरली वॉल का परसेंटेज हम लोग 20-30% पकड़ते हैं। जैसे कारपेट एरिया मान लीजिए 700 हो गया, 700 स्क्वायर फीट, तो बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट तक हो सकता है। अभी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया का फॉर्मूला कैसा है? कारपेट एरिया प्लस एरिया ऑफ एक्सटर्नल वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बालकनी, मतलब कारपेट एरिया प्लस एरिया ऑफ एक्सटर्नल वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बालकनी। अभी व्हाट इज सुपर बिल्टअप एरिया? अभी सुपर बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया मतलब बिल्टअप एरिया में जैसे हमने देखा कि पूरा कारपेट एरिया प्लस एक्सटर्नल वॉल्स ये सब कैलकुलेट करते हैं। अभी सुपर बिल्टअप एरिया में जो कॉमन पैसेजेस रहता है, जैसे लिफ्ट शाफ्ट हो गया, स्टेयरकेस हो गया, कॉमन पैसेज हो गया, या फिर अदर कुछ भी एमिनिटीज रहते हैं, वो सारा एमिनिटीज जो कॉमनली यूज़ किए रहते हैं वो सब को हम लोग ऐड करते हैं उसमें, तो वो सुपर बिल्टअप एरिया होता है। सुपर बिल्टअप एरिया का फॉर्मूला, सुपर बिल्टअप एरिया मीन्स बिल्टअप एरिया प्लस प्रपोर्शनेट कॉमन एरिया, इट इज़ यूज मतलब कॉमन पैसेज, कॉमन लिफ्ट वगैरह वो सब हमने देखा ना, वो पूरा कॉमन एरिया। और सुपर बिल्टअप एरिया को लोग कारपेट एरिया प्लस 1:2 लोडिंग फैक्टर। अभी बिल्डर लोग वो टोटल एक लोडिंग फैक्टर ऐड करते हैं, वो उनके लोकेशन के हिसाब से या फिर बिल्डर के हिसाब से अलग होता है, मतलब 15% से 50% तक होता है। अभी हम देखेंगे सेलेबल एरिया। ये सेलेबल एरिया रेरा आने से पहले ये सेलेबल एरिया से भी
फ्लैट वगैरह इसका खरीदी होता था। तो सेलेबल एरिया क्या है, ये जस्ट लाइक सुपर बिल्टअप एरिया ही है, मतलब कारपेट एरिया, टेरेस, बालकनीज, इसके बाद कॉमन एरिया, एक टोटल एरिया निकाल करके जो भी सुपर बिल्टअप एरिया था उसको ही पहले ये लोग सेलेबल एरिया बोलते हैं। अभी ये सब एरिया हम कैसे निकालते हैं ड्राइंग से देखेंगे। दोस्तों ये एक ड्राइंग है जस्ट आपको आइडिया आने के लिए, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया। अभी ये ड्राइंग में आप देखिए इधर, ये पूरा प्लान में जो इंटरनल वॉल्स के बीच का जो एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया था ये पूरा कारपेट एरिया है, इधर येलो कलर में हाईलाइट किया गया है, ये पूरा कारपेट एरिया है, इसमें लेफ्ट कॉरिडोर, लेफ्ट लॉबी ये सब नहीं आता। अभी रेरा के हिसाब से ये कारपेट एरिया में इंटरनल वॉल्स भी आते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल वॉल्स नहीं आते। अब ये बिल्टअप एरिया, अभी बिल्टअप एरिया में इसमें देखिए पूरा कारपेट एरिया प्लस एक्सटर्नल वॉल्स का जो भी एरिया है ये बिल्टअप एरिया है। जैसे अभी ये हैश किया हुआ कलर किया हुआ एरिया प्लस ये एक्सटर्नल वॉल्स का एरिया, ये दोनों मिला करके बिल्टअप एरिया आता है। अभी ये सुपर बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया में जैसे बोला मैंने आपको बोला था कि पूरा जो भी कारपेट एरिया है बिल्टअप एरिया है, जैसे इंटरनल कारपेट हो गया, टोटल बिल्टअप एरिया हो गया एक्सटर्नल वॉल्स पकड़ के, उसके साथ ही ये जो कॉरिडोर है इधर, जो ये कॉरिडोर है ये लिफ्ट लॉबी है, ये लिफ्ट वाला पोर्शन है, फिर स्टेयर केस है, ये सब पकड़ के कॉमन पकड़ करके ये सुपर बिल्टअप एरिया होता है। तो ये तीनों ड्राइंग्स के ड्राइंग से अपना आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया में क्या डिफरेंस है। ये ड्राइंग से आपका क्लियर आइडिया आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।